और अब अगली खबर, सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान फिल्म में अपने किरदार से सुर्खियां बटोरने वाले पाकिस्तानी रिपोर्टर चांद नवाब एक बार फिर अपनी रिपोर्टिंग को लेकर चर्चा में हैं। उनकी रिपोर्टिंग का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो रिपोर्टिंग करते वक्त कई बार लाइनें भूल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई टेक लेने पड़ते हैं। 1 मिनट 46 सेकंड के इस वीडियो में भी वो अपनी रिपोर्टिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। इसमें वो कराची के पान से संबंधित रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग उनकी काम के प्रति लगन की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनकी रिपोर्टिंग के इस अंदाज का लुत्फ लेते हुए उन्हें कॉमेडियन तक बता रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर मियां शहबाज शरीफ के पान और कराची के बयान पर कराची के आवाम और सियासतदानों में गमों को सब पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार खान के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़ कराची। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पान और कराची पर बयान के एक मिनट यार मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर कराची की आवाम और सियासतदानों में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़। जब मैं 92 न्यूज़ बोलूँ ना, पान मुझे जब मैं रुक जाए तुम इशारा कर देना। क्यों मियां शहबाज शरीफ का पान के और कराची पर के मियां शहबाज शरीफ का कराची में पान के ऊपर बयान के बाद कराची के आवाम और सियासतदान में टीवी की भाषा में दरअसल इसे पीटीसी कहते हैं, यानी पीस टू कैमरा, और यह कोई नई बात नहीं है। रिपोर्टर अक्सर कई टेक लेते हैं पीटीसी के लिए, लेकिन चांद नवाब जब इस तरीके से टेक लेते हैं तो वो खबर बन जाती है। एक बार फिर से देखिए आप ये वीडियो। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार खान के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़ कराची। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पान और कराची पर बयान के एक मिनट यार मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर कराची की आवाम और सियासतदानों में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़। जब मैं 92 न्यूज़ बोलूँ ना, पान मुझे जब मैं रुक जाए तुम इशारा कर देना। क्यों मियां शहबाज शरीफ का पान के और कराची पर मियां शहबाज शरीफ के पान और कराची पर कराची की आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार खान के साथ चांद नवाब, 92 यार बोल। चांद नवाब एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं और अपनी रिपोर्टिंग के कारण पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग को लोगों ने बड़े चाव से देखा था। उनका यह वीडियो वायरल हो गया था। वो एक रेलवे स्टेशन के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर ही कर रहे थे सीढ़ियों पर, और इस दौरान उन्हें वहां से गुजर रहे लोगों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो इस कदर परेशान हुए कि उन्हें कई बार रीटेक लेना पड़ा। कराची से लोग ईद मनाने अपनों में के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़ कराची। दोबारा एक दफा दे दूं। और हमारे साथ चांद नवाब खुद इस वक्त जुड़ चुके हैं। चांद नवाब जी, अक्सर हम लोग भी फील्ड में जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो कई बार टेक लेना पड़ता है,
लेकिन तब हमारी आलोचना होती है और आप जो ये टेक लेते हैं पीटीसी के लिए, कई बार आप स्टार बन जाते हैं, हर जगह चर्चा शुरू हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, पहले तो आपका शुक्रिया और चैनल आपका देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। जी हाँ, अल्लाह ताला भगवान जिसको भी इज्जत दे, और मैं कोई चीज भी वायरल होती है उसका फौरन इतना कमेंट्स आ जाता है कि मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। और ये कराची से अपनों में ईद मनाने के बाद शहबाज शरीफ ने जो पान के बारे में कहा उसके बाद वो वायरल हुआ और लाखों मतदाताओं ने मुझे पूरे दुनिया से मैसेज भेजे कि अल्लाह ताला ने आपको फिर एक दफा मशहूर कर दिया है और मैं हिंदुस्तान में रहने वालों तमाम लोगों का दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला मुझसे अच्छे काम मोहब्बत वाले काम लेता रहे। जी जी वो तो ठीक है, देखिए हर जगह से आपको फोन आ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके जो संपादक होते हैं एडिटर वो क्या कहते हैं आपसे जब आप इतने टेक लेते हैं? नहीं देखिए, मैं जुड़ा हुआ हूँ 92 चैनल से, जी पाकिस्तान का नंबर वन चैनल है रेटिंग में, और वो तमाम खुश होते हैं। और उसमें ये होता है कि हमें जाहिर इलेक्शन का सीजन है, 25 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं मीडिया के मेरे तमाम लोग खुश होते हैं कि वास्ता कि पाकिस्तानी कौम जो है बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों कहीं भी जाता हूँ दुआएं देते हैं और खुश होते हैं कि हमारा चांद नवाब जा रहा है। और इसमें खान साहब सलमान खान साहब और का भी मैं शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने फिल्म बजरंगी भाईजान में जो मेरा किरदार था उसको किया मेरे उसके ऊपर, जिसकी वजह से मेरी मशहूरी भी हुई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।